हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वन मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। ये बीएसटी का पार्ट टू कहलाता है। बुक में तो सेम ही है सारा का सारा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वन मार्क क्वेश्चन, भाई बहुत अच्छे आपके रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहे हैं, है ना। और बच्चे केस स्टडीज़ के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन केस स्टडीज़ के लिए नेक्स्ट मैं भी तो वन मार्क सीरीज क्वेश्चन के बाद में जो नई सीरीज़ आएगी वो आपकी केस स्टडीज़ की आ जाएगी। तो बीएसटी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस फाइनेंस इज़ नीडेड टू, बिजनेस फाइनेंस नीडेड किस में ज़रूरत होती है? एस्टेब्लिश बिजनेस में, रन अ बिजनेस में, अभी सब में तो ज़रूरत है। ऑल ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टेंजिबल एसेट, सबको आता है टेंजिबल एसेट ट्रेडमार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है क्या? रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोकर्ड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, अचीविंग इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सच फंड, सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव, राइट। 1, 2, 3, नेक्स्ट। प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू, प्राइमरी एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है? सबसे पहला एम मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, बिल्कुल होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, बिल्कुल होता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी होता है। इसका मतलब सारे ही, एक सबसे पहला एम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है वो ये सब होते हैं। अब ये इसमें क्या होगा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा ना, तो भी आप ये तीनों पॉइंट्स में आराम से लिख सकते हैं। दिस डिसीजन रिलेट टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, ये कौन सा डिसीजन होता है जिसमें फर्म किस डिफरेंट एसेट्स में अपने को इन्वेस्ट करें, पता है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं भाई ये तो, ठीक है ना। परचेजिंग ए न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल होता है, है ना, एक नई मशीनरी को खरीदनी है, तो ये होता है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में आता है, ठीक है ना, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है ये। नाउ मूव नेक्स्ट, द साइज ऑफ द एसेट ऑफ द एंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द कॉम्पिटेटिवनेस आर ऑल इफेक्टेड बाय, ये किससे इफेक्ट होते हैं सारे, अभी बताया था ना, एसेट का साइज़, उसकी प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिशन, ये सब हमारी कैपिटल बस्टिंग कहलाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। दीज डिसीजंस इफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, लिक्विडिटी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। लिक्विडिटी अगर आ जाता है वर्ड, तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देव हैज़ टू प्रोजेक्ट ए एंड बी इन हैंड, द सेम अमाउंट ऑफ द रिस्क इज इन्वॉल्व इन बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी इज 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन अदर नॉर्मल सर्कमटेंसेज, देन अंडर नॉर्मल सर्कमटेंसेज विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड, एक से आ रहा है हमारे पास 20% का, दूसरे से आ रहा है हमारे पास 15% का, तो हमें बाकी सब चीज़ें सेम हैं तो फिर हम किससे लेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि हम जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वही लेंगे, तो हम प्रोजेक्ट ए को चूज़ करेंगे, किसे चूज़ करेंगे, ए को, क्योंकि उससे हमें रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ द फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म रिसोर्स, हमें लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से फाइनेंस रेज करना है, क्या कौन सा डिसीजन होता है भाई, ये हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, कौन सा होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब ये देखो लर्न भी हो जाएगा ना, इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे हम फाइनेंशियल डिसीजन की, तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। द इनएबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भाई कितना पेमेंट होगा, क्या होगा, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये है हमारे फाइनेंशियल रिस्क, क्या है ये है हमारा फाइनेंशियल रिस्क। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल रिस्क, किस पर डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियल जो रिस्क होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, पूरी कैपिटल में डेट का प्रपोर्शन कितना है, ठीक है, कितना डेट्स ले रखा है, ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट चल रहे, नाउ नेक्स्ट, दिस डिसीजन डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इंटरप्राइज, कौन सा डिसीजन होता है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आएगी और फाइनेंशियल रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो फाइनेंशियल डिसीजन ही होता है, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क आ जाए समझ लो फाइनेंशियल डिसीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाई ए बिजनेस इफ इट्स कॉस्ट इज हाई, विच इनमें से कौन सा कैपिटल सोर्स ऑफ कैपिटल वो सिलेक्ट नहीं करेगा एक बिजनेस, अगर उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उसकी कैसी है, वो उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, नहीं लेगा, कौन सा, डिबेंचर्स नहीं लेंगे हम, क्या नहीं लेंगे हम, डिबेंचर्स।
When the stock market index is rising, a company may issue in order to meet its financial requirement. स्टॉक मार्केट इंडेक्स बढ़ रहा है बहुत तेज़ी के साथ, कंप्यूटर वो कोई भी कंपनी क्या ले लेगी? अरे सीधी सी बात है, अगर हमारा मार्केट बढ़ रहा है वो भी स्टॉक एक्सचेंज वाला, तो आप इक्विटी शेयर्स को और इशू कर दो, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए चलो आगे चलें। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बियरिश, अगर बियरिश हो रहा है तो फिर हम क्या लेंगे भाई? बियरिश मतलब होता है वो कम हो रहा है, उसमें पैसे नहीं बढ़ रहे हैं शेयर्स के, तो फिर हम क्या करेंगे? डिवेंचर्स ले लो, सीधी सी बात है, समझ गए ना, है ना? अच्छा आगे चलते हैं। नेम द फाइनेंशियल डिसीजन विच रिलेट टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्पोज करना है हमको यहाँ पे, तो हम फिर क्या करते हैं? उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने की कंडीशन में हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट करना है हमको, है ना, प्रॉफिट हटाना है अपने पास से, ज़्यादा हो गया है प्रॉफिट हमारे पास, डिविडेंड डिसीजन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अ कंपनी इज नॉट लाइकली टू डिक्लेयर ए हायर डिविडेंड। हायर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी कंपनी, कब नहीं करेगी, कब नहीं करेगी? क्यों? व्हेन अ कंपनी हैज़ ए ल्यूक्रेटिव फोर्थ कमिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी को लग रहा है कि आगे आने वाले में टाइम में वो और कुछ उसे और पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करके उसको क्या करेगी? अपने पास रिटेन अर्निंग रखेगी जो वह उसके आगे काम में आएगी। सही है, आगे देखो। अ कंपनी इज लाइकली टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कब? जब टैक्स रेट रिलेटिवली लोअर, अगर टैक्स रेट कम हो जाते हैं तो फिर वो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। टैक्स रेट कैसे होंगे? लोअर हो जाने चाहिए, रिलेटिवली लोअर, है ना। इट इज़ एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशंस। आइडेंटिफाई द रिलेट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें? फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या आएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। नेम द प्रोसेस दैट अनेबल द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट। फंड रिक्वायरमेंट उसे क्या कहते हैं हम? बोथ द क्वांटम एज वेल एज द टाइमिंग। हमें क्वांटम भी देखना है, टाइमिंग भी देखनी है, हमको सब देखना है। इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट अनेबल द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट बोथ द क्वांटम एज वेल एज द टाइमिंग। डेफिनेशन भी होगी इसकी। चलो आगे, मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, कपिल लिमिटेड इज़ अ कंपनी डीलिंग इज इन रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स। ओके, ओवर द ईयर्स द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी हैज़ गोन अप एंड इट इन्जॉय अ गुड रेपुटेशन। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट दैट नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ द करंट ईयर बट ऑफ आवर फ्यूचर ईयर्स आर लाइकली टू बी वेरी हाई। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ द डिविडेंड डिसीजन बींग डिस्क्राइब इन द गिवन लाइन्स। डिविडेंड डिसीजन के लिए बताना है भाई हमको, इसमें समझ में तो आ गया होगा आपको, डिविडेंड डिसीजन देना है। तो डिविडेंड कैसे होने चाहिए? हमेशा डिविडेंड कैसे होने चाहिए? स्टेबिलिटी होनी चाहिए डिविडेंड में, है ना। ऐसा ना हो कि इस बार हमने 2% कर दे दिए, नेक्स्ट टाइम हम 1% पर रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड हमेशा स्टेबल होने चाहिए, अदरवाइज कंपनी की गुडविल यहाँ पर स्पॉइल होने का डर रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अंबर लिमिटेड हैज़ बीन एक्सपीरियंसली अ डाउनफॉल इन इट्स पॉपुलरिटी ड्यू टू ग्रोइंग कॉम्पिटिशन। ठीक है ना। ऑल्सो द कंपनी डजेंट सी एनी फोर्थकमिंग वायबल बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज इन द नियर फ्यूचर्स। ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड्स फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेट टू द डिविडेंड डिसीजन बींग डिस्क्राइब। अब क्यों दे रही है वो इस टाइम पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है ना? क्यों कर रही है? क्योंकि उसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। क्या दिख रही है? बस दिख रहा है कि हम यहाँ पर आगे आकर के ग्रोथ कर सकते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की वजह से। ठीक है, चलो मूव नेक्स्ट। लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट। द कंपनी इज अर्निंग हाई प्रॉफिट बट इज शॉर्ट इन कैश। ठीक है। सो इट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर लेस डिविडेंड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। नहीं था उसके पास, उसने कहा ठीक है हम कम दे देंगे डिविडेंड यहाँ पर इस बार। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेटेड टू द डिविडेंड डिसीजन बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव लाइन। यहाँ पर कौन सा है भाई, क्या बताएंगे हम डिविडेंड के बारे में? एक लाइन तो बता रखी है, यहाँ पर बताएंगे हम उसकी प्रीफ्रेंस ऑफ शेयर होल्डर अर्निंग कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है भाई? कम है, है ना, कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ठीक है, आगे देखो। ललित एन एक्सपीरियंस स्टॉक ब्रोकर एडवाइज हिज क्लाइंट प्रभु टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ ब्लू एंगल लिमिटेड एज द कंपनी हैज़ डिक्लेयर हाई डिविडेंड्स सिंस द इंक्रीज इन डिविडेंड इज
perceived as a good news and stock price react possibility to it. Identify the related factor of the dividend decision being described in the above lines. कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर है बुक स्टॉक आ गया ना, तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है कोई भी कंपनी, तो स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। और सिंपल है ये, बहुत सिंपल है एकदम। देखो नेक्स्ट चलते हैं, अ कंपनी मस्ट अडेयर टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट वाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। ओके, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फैक्टर ऑफ द डिविडेंड डिसीजन बीइंग मेंशन इन द अबव लाइन। कंपनी को पता होना चाहिए ना, तो क्यों? क्योंकि ये लीगल कॉन्स्टेंट्स है, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट में कौन सा प्रोविज़न निकला हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो लीगल कॉन्स्टेंट आ जाता है। ठीक है, वाइल टेकिंग ए लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोकेश एंटरप्राइजेज साइंड एन एग्रीमेंट डेट दे शैल नॉट पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स मोर देन 15% अंटिल द लोन इज रीपेड। ठीक है, जब तक कि लोन रीपेड नहीं हो जाता वो 15% से ज़्यादा डिविडेंड पेड नहीं कर पाएगा अपने शेयर होल्डर्स को। और डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर्ड इफ द लिक्विडिटी रेशियो इज फाउंड टू बी लेस देन 1:1, और अगर 1:1 से नीचे हो जाता है तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर भी नहीं करेगा। देन आइडेंटिफाई द फैक्टर रिलेट टू डिविडेंड डिसीजन। अब यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट मतलब यही होता है कि अगर परिस्थितियां हमारे विपरीत खड़ी हुई हैं तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, इस कंडीशन में ही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। शर्तें लगा दी जाती हैं, समझ रहे हो, कंडीशंस लगा दी जाती हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, अदरवाइज तो हम देंगे ही देंगे। मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्ट इसमें से नहीं है, इंश्योरिंग एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट द राइट टाइम। ठीक है, एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाए सही समय पर, ये तो कोई भी इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। द फाइनेंशियल प्लान आर ड्रॉन बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन, सारे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइज, इन्वेस्टमेंट, सब हैं। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान, उसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म को? शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं बजट, है ना। तो बजट, अगर हम बजट की डेफिनेशन लिख करके आए तो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान आर नोन एज बजट्स। ठीक है, चलो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे आपको। प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट, सबसे पहले हम सेल फोरकास्ट, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, बी पॉइंट पर लिखे हुए हैं आपके तीनों। ठीक है, ये इसके प्रोसेस है और एज इट इज़ आपको लिखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इट ट्राइज टू डीलिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, लिंक करता है, डीलिंक नहीं करता है, ये प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक कर देता है, डीलिंक नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड, ओनर्स फंड का एक पार्ट नहीं है, इक्विटी शेयर्स भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, प्रीफरेंस शेयर्स भी है, डिबेंचर्स नहीं, डिबेंचर्स नहीं है। चलो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बोरोड फंड, इसमें बोरोड फंड बताने हैं हमको, तो बोरोड फंड तो आपको पता ही होते हैं कौन कौन से होते हैं, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग्स, बोरोड फंड सॉरी नहीं है, हाँ तो रिटेन अर्निंग्स नहीं है, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम लोन ले सकते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? द कॉस्ट ऑफ द डेट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मुझे तो पहले ही दिख रहा है ये यही यही सही नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट्स, डेट्स ज़्यादा होंगे और इक्विटी कम होगी, ऐसा नहीं हो सकता, इक्विटी ज़्यादा होती है, डेट्स कम होते हैं। इन ऑर्डर टू रेज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 50 लाख, तो युधिष्ठिर लिमिटेड हैज़ यूज डेट, उसने डेट्स यूज़ कर लिए हैं एडिशनल कैपिटल को 50 लाख तक लेके आने के लिए, बिकॉज क्यों किए होंगे उसने? इंक्रीज यूज ऑफ डेट लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सही है, ये सही है। यूज़ ऑफ डेट्स, अगर हम डेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कैसी हो जाती है? वो लोअर हो जाती है, कम हो जाती, इसलिए हम हमेशा डेट्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से एक स्टेटमेंट सही नहीं है। इंक्रीज यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए बिजनेस, इंक्रीज यूज़ ऑफ डेट डिक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, अगर हम डेट्स को बढ़ा रहे हैं तो फाइनेंशियल जो रिस्क होता है बिजनेस का वो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि डेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, नेम द डिसीजन विच इफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क,
एक डिसीजन बताना है जो प्रॉफिट के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कौन सा होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। नेक्स्ट चलते हैं, अ हायर फाइनेंशियल एवरेज रेशियो इंडिकेट डेट। हायर फाइनेंशियल लेवरेज है, क्या बताता है ये? द डिपेंडेंसी ऑफ द फर्म ऑन द डेट इज मोर। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा हायर हो रहा है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? ये इस बात को डिपेंड करते हुए बताता है कि डिपेंडेंसी है जो फर्म की, वो डेट्स पर कैसी हो गई है? ज़्यादा हो गई है। एज अ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ ए कंपनी इंक्रीज, जैसे जैसे फाइनेंशियल लेवरेज कंपनी का किसी का बढ़ता जाता है, क्या होता है फिर? अ डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ फंड बट एन इंक्रीज इन द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पर कम होता जाएगा। डेब्टर पर इक्विटी होता है ना, फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज। व्हेन डज द अर्निंग पर शेयर राइज विद हायर डेब्ट। अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता हायर डेब्ट्स के साथ, कब होगा ऐसा काम? व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट पर वो ज़्यादा होगा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के कंपेरिजन में, तब ये होता है। ठीक है, द टोटल कैपिटल ऑफ द यूरेनियम प्राइवेट लिमिटेड इज 50 लाख, द अमाउंट ऑफ डेट इज 20 लाख, द कंपनी हैज़ अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रेजेंट ईयर। कितना हो जाएगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे आप, 20% आएगा ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, मूव टू नेक्स्ट। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन द अर्निंग पर शेयर फॉल्स विद द इंक्रीज यूज ऑफ डेट इज इंडिकेट डेट। ये क्या इंडिकेट करता है? कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ROI क्या है? ROI कम है कॉस्ट ऑफ डेट के कंपेरिजन में। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ए कंपनी इज 16%, अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज विल बी सेड टू अराइज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट कैपिटल, उसे क्या कहते हैं? मोर देन 16%। कितना होगा? मोर देन 16%। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी शुड नॉट इशू डेट कैपिटल। कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकती? व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इज लो, जब टैक्स की रेट अगर कम है तब नहीं करती है, डेब्ट कैपिटल को इशू नहीं करती है। अगर इसकी हाई होती है तो फिर वो कर देती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी इज नॉट लाइकली टू इशू इक्विटी शेयर्स, इसमें इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करेगी कंपनी। व्हेन द डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज हाई, हाँ बिल्कुल। व्हेन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाई, हाँ बिल्कुल। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लो, तीनों ही कंडीशन है भाई। इन सारी कंडीशन में कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं करती है। इफ़ ए कंपनी इज बोरोइंग फंड्स एट द रेट 10% एंड द टैक्स रेट इज 30%, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 7%। बोरिंग फंड्स कितने हैं? 10% हैं, और टैक्स रेट कितना है? 30% है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड्स टू यूज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो। यहाँ पे बिजनेस रिस्क कैसा होता है? बिजनेस रिस्क जो होगा वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। अभी अगर इसमें छोटे मोटे कोई भी न्यूमेरिकल आपको क्लियर ना हो रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर हम मिल सकते हैं, ठीक है ना? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेरी हो वो आप मुझसे वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 49। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बिलो, नहीं कम हो सकती है, किस कंडीशन में? व्हेन द लेवल ऑफ कोलाबोरेशन इज लो, जब कोलाबोरेशन का जो लेवल है वो ही कम होता है तब। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हाई, ये हाई नहीं हो सकता। व्हेन द फाइनेंशियल
ऑल्टरनेटिव आर इजीली अवेलेबल। अगर फाइनेंशियल जो अल्टरनेटिव हमारे पास हमें आराम से मिल रहे हैं तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी बिज़नेस का वो कैसा हो सकता है, हाई नहीं होगा। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस नॉट लाइकली टू बी लो, वर्किंग कैपिटल लो नहीं हो रहा किस कंडीशन में, व्हेन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी ऑफ द बिजनेस आर हाई। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है कंपनी का, बहुत हाई हो रहा है तो उस कंडीशन में ठीक। नेक्स्ट, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस नॉट लाइकली टू बी हाई, वर्किंग कैपिटल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मैनेजरियल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सारी तो हैं, फाइनेंशियल भी, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑल ऑफ दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन, कौन सा फैक्टर फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करता है, सारे हैं भाई, ऑल ऑफ दैट। नाउ refers to planning regarding financial needs of the enterprise, various source of raising funds and their optimum utilization. इसे financial planning कहते हैं। क्या कहते हैं? Financial planning. Which of the following is not a feature of financial plan? Financial plan का feature नहीं है। Cost. Is the decision relating to composition of capital structure and also depends upon ability of the business to generate cash. Cash flow ability. कैश फ्लो एबिलिटी कितनी, कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये बताने का रहता है इसमें। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज एक्सपेक्शनली हाई इन, किस में होता है हाई, अंडर कैपिटलाइजेशन में, किस में होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन में। विच ऑफ द फैक्टर अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन बताएंगे हम सारे, प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर्स, अर्निंग भी होती, स्टेबिलिटी और डिविडेंड, ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, जल्दी जल्दी करा देते हैं ना, हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होता इसलिए। रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ डेट और टोटल कैपिटल फंड रेज बाय द कंपनी, कौन सा स्ट्रक्चर होता है टोटल कैपिटल फंड जो कंपनी रेज करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे चलें, चल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिंग टू प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो बहुत ही सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं ना इसको। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, उस पर वेल्थ उतना ही हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। चलो, इफ डिविडेंड पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग इज हाई, पोर्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विल बी, तो अगर वो हाई है तो रिटेन अर्निंग कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्या होगा, ये लो होगी। फाइनेंशियल प्रोसीजर आर डिटरमाइंड बाय, फाइनेंशियल प्रोसीजर डिटरमाइंड किससे करेंगे हम, फाइनेंशियल प्लानिंग से करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर शो करता है, क्या शो करता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो हमारे डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो उससे शो करता है, ठीक है ना, किसे शो करता है, डेट एंड इक्विटी रेशियो। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड बाय, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन बताता है, किसे डिटरमाइन होती है, ये नेचर ऑफ बिजनेस से, कैसा है बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लो हो जाती है जब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या होता है, हाई क्रेडिटर्स, क्या होते हैं, ज़्यादा क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा है तब होता है। इज कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो, रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, सिंपल है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इज द टाइम स्पेंड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड, क्या होता है, ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। अभी ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन याद कर लेना, ये छोटी सी हमने लिख दी है, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड रिलेशन ऑफ सेल प्रोसीजर, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है कि जब हमने सामान मंगाया और वो जब तक बिक नहीं जाता, ये जो पूरा एक टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। अच्छा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, कैसा, करेंट, ठीक है, करेंट। कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, वर्किंग कैपिटल, कौन सी कैपिटल होती है, ये वर्किंग, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हाई व्हेन, कब नहीं हाई होना था, जब इट इज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल,
क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे वन मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं ये। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हाई व्हेन द फाइनेंशियल अल्टरनेटिव आर इजीली अवेलेबल, हमको आराम से मिल रहा है सब कुछ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू यूज ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो, ये नहीं है। द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द कंपनी इज नॉट लाइकली टू इशू इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर इशू नहीं करेगी, सारी कंडीशन ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यूज के लास्ट क्वेश्चन, इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ए कंपनी इज 16%, अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज विल बी सेड टू बी अराइज व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट पेबल ऑन डेब्ट कैपिटल, उसे क्या कहेंगे हम, कितना हो जाएगा, तो वो अगर 16% से ज़्यादा हो जाता है तो मोर देन 16%। द टोटल कैपिटल ऑफ द यूरेनियम प्राइवेट लिमिटेड इज 50 लाख, द अमाउंट ऑफ डेट इज 20 लाख, द कंपनी हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 10 लाख ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं, 20% है। थोड़े से ट्रू फॉल्स, और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू अरेंज वेल्थ एंड फॉर शेयर होल्डर्स, नो, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स नहीं, शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल डिसीजन इज द डिसीजन अबाउट डिविडेंड पेमेंट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी फॉल्स है, डिविडेंड डिसीजन इज सच अ डिसीजन, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज अ डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ये भी फॉल्स है। फाइनेंशियल डिसीजन इज अ डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शोज एनालिसिस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ये भी फॉल्स है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, सारे ही फॉल्स आ गई है। तो योर आंसर्स, और मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हम बहुत जल्दी आपके सामने। चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।